हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए आज हम पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इसको डील करने जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इसका क्या मीनिंग है। सर, पार्टनरशिप किसी एग्रीमेंट पे बेस होती है जिसमें हम पार्टनर्स के नेम, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सब कुछ डिसाइड करते हैं। उस एग्रीमेंट के ऊपर हम अपने पार्टनरशिप को बेस करते हैं। तो सर, अगर मैं बात करता हूं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज आ जाता है तो हम उसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चेंज इन एग्रीमेंट मींस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आ जाए, सर उनका रेशियो चेंज हो जाए, सर कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, न्यू पार्टनर का एडमिशन हो जाए, या सर कोई ओल्ड पार्टनर छोड़ करके चला जाए, रिटायर हो जाए फॉर्म से, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो ये सब चेंजेस क्या करते हैं, हमारे एग्रीमेंट को चेंज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो कैसे कैसे हो सकता है सर, मैंने आपको ये बता दिया, न्यू पार्टनर आ जाए, एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के चला जाए, किसी की डेथ हो जाए, अमलगमेशन हो जाए, तब भी क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं सर, अगर पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो हमें क्या करना होता है। सर, जैसे ही पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, जैसे ही पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, उनके एग्रीमेंट में चेंज आ गया और आप कहेंगे सर पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो गई है, रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है जी सर। तो जैसे ही रेशियो चेंज होगा तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट के किस रिगार्डिंग सर, आपको एक तो निकालना पड़ेगा उनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों निकालते हैं समझाता हूं, गुडविल निकालनी पड़ेगी, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, रिजर्व्स की, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की, कैपिटल एडजस्टमेंट, ये सारा काम हमें करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है और क्या होता है, कैसे होता है, आइए समझते हैं। एक सिंपल सी बात समझेंगे, देखिए अगर मैं बात करता हूं सर, there is two partner A and B, this is their old ratio and now they decided to share profit and loss in ratio to ratio 1. okay ji sir, ye inhon decide kar liya inka old ratio tha equal new ratio ho gaya 2:1। to sir ratio change hone se effect kya hoga, एग्जाम्पल मानता हूं मैं कि सर कितने रुपए का प्रॉफिट था, प्रॉफिट था सर 30 रुपीज का, 30 रुपीज का प्रॉफिट था। अगर मैं ओल्ड रेशियो में डिवाइड करता तो ये डिवाइड होता सर 15 और 15 इक्वल। अगर मैं इसे न्यू रेशियो में डिवाइड करता हूं तो ये डिवाइड होता सर 20 और 10 इस रेशियो। तो सर देखिए क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रॉफिट था पहले 15 और 15 डिवाइड होता था, न्यू रेशियो में अब डिवाइड करते हैं तो 15 की बजाय A को मिलता है सर 20 रुपीज, यानी कि 5 रुपीज क्या मिल रहा है जी, एक्स्ट्रा मिल रहा है। और इसे 5 रुपीज क्या हो रहा है, जिसे कम मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसने 5 रुपए का क्या कर लिया जी, गेन किया है, और इसने 5 रुपीज का सैक्रिफाइस किया है। 5 रुपए का क्या किया, सैक्रिफाइस किया, यानी कि एक पार्टनर उतना गेन करेगा, दूसरा पार्टनर उतना सैक्रिफाइस करेगा इनके रेशियो में चेंज होने से। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा जी, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है और कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं सर, आपने कैसे निकाला ये, ये था इसका ओल्ड रेशियो, और ये था इसका न्यू रेशियो। तो सर ओल्ड रेशियो बी की बात करूं, 15 था, 15 इसके पास आ रहा था शेयर ओल्ड, और न्यू बी के पास आ रहा कितना, 10,
तो 5 रुपीस क्या हो गया सर, सैक्रिफाइस, यानी कि सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या हो गया सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ए की बात करूं तो ए का क्या किया आपने, 20 माइनस 15, 5 रुपए का क्या आ रहा है जी, गेन हो रहा है। तो 20 क्या है इसका न्यू रेशियो और 15 क्या है इसका ओल्ड रेशियो, तो सर गेनिंग का फॉर्मूला हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो आपको यहां एक चीज और बता दूंगा सर, सर कि सर ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग आ रहा है। अगर आप इसमें भी ओल्ड माइनस न्यू लगाते हैं, सपोज करें बी में, सॉरी ए में भी ओल्ड माइनस न्यू लगाएंगे तो ए का ओल्ड कितना 15, माइनस न्यू कितना 20, तो माइनस का 5 आएगा ना, फॉर्मूला लगा रहे सैक्रिफाइसिंग का, आंसर आ रहा है माइनस में, दैट मींस ये क्या कर रहा है जी, गेन कर रहा है। समझ आई बात कि सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू है, गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड है। तो अगर आप सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर माइनस में आता है, दैट मींस वो गेन कर रहा है। अगर आप गेनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर नेगेटिव आएगा, दैट मींस वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलेंगे। AB partner A ratio to ratio 1 with effect from 1st of April 2021 they agreed to share profit and loss equally, old ratio to ratio 1 or new ratio decide to be equal 1 ratio 1, so aapne kya karna hai, calculate individual partners gain or sacrifice due to change in ratio. To dekho A aur B ka old kitna 2 ratio 1, new kitna 1 ratio 1। तो सर जब ओल्ड एंड न्यू रेशियो हमारे पास दिया हुआ है तो हम गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। कैसे सर, सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला लगा, सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला क्या था सर, सैक्रिफाइसिंग का जो फार्मूला था वो ये था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो एक और कितना 2/3, माइनस न्यू कितना 1/2, तो आपके पास क्या आ गया जी, ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6। ठीक है, ओके, बी का ओल्ड कितना, बी का ओल्ड 1/3, न्यू कितना सर 1/2, आंसर आ गया जी माइनस में, और अगर सैक्रिफाइसिंग के फॉर्मूले से आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या कर रहा है जी, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो सर देखो, ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6, बी गेन कर रहा है 1/6, दिस इज आवर आंसर। आसान है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। सेम अगर हम बात करें नेक्स्ट सम, सेम है, थ्री पार्टनर एबीसी, रेशियो इज 3:1, फ्यूचर रेशियो इज 2:1, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना है। देखिएगा ओल्ड माइनस न्यू लगाइएगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आपके सामने आ जाएगा, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं, आंसर माइनस कर रहा है तो ये गेन कर रहा है। ठीक है, हो जाएगा। गुडविल, गुडविल का क्या मीनिंग है सर, गुडविल का मीनिंग है गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर, यानी कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन, आपका मार्केट में नाम कैसा है, वो होती है गुडविल। जैसे हम फतेहाबाद में रहते हैं, हरियाणा फतेहाबाद में रहते हैं, तो सर फतेहाबाद के अंदर मिठाई वाला फेमस है थराराम, तो सर थराराम की जो मार्केट में वैल्यू है वो उसकी क्या है, गुडविल है। ठीक है जी सर, तो गुडविल उसकी फीचर्स देखो, ये चीजें करवाने वाली नहीं है, ये तो बच्चों वाले काम है, आपको ऑलरेडी आते हैं, मैं आपको करवा चुका हूं, फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं आपको बता दूंगा। इंटेंजिबल एसेट्स है, वैल्यूएबल एसेट्स है, आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी है तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो, गुडविल की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, जब पूरा बिजनेस सेल किया जाता है तभी गुडविल का हमें क्या मिलता है, फायदा मिलता है। गुडविल की वैल्यू क्या होती है, फायदा तो गुडविल में मिलता है, रनिंग बिजनेस में मिलता है, लेकिन गुडविल की सेलेबल वैल्यू की बात करूं मैं तो वो बिजनेस को सेल करते टाइम ही आती है, वैसे गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या था जी, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है जी, जी सर, कौन कौन से फैक्टर है जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, मैं एक तो बताता हूँ आपको, बाकी आप अपने आप कर लेंगे, बहुत ईजी से फैक्टर है। लोकेशन, अगर आपकी बिजनेस की लोकेशन ऐसी है जहां पर कस्टमर इजीली पहुंच जाता है तो क्या होगा, आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। अगर हम बात करें
फैक्टर की, तो मैंने आपको बताया कि जहां कस्टमर इजीली पहुंच जाते हैं, अगर आपकी बिजनेस ऐसी लोकेशन पे है तो आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, बोलो जी। बिल्कुल ऐसे बिजनेस के कंपैरिजन में जो कि ऐसी जगह पे चलाया जा रहा है जहां कस्टमर इजीली नहीं पहुंच पा रहे। मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी दूसरे बिजनेस के मुकाबले। अगर आपका बिजनेस ज्यादा पुराना, जितना ज्यादा लॉन्ग बिजनेस होगा, जितना ज्यादा पुराना बिजनेस होगा, ओल्ड बिजनेस होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी गुडविल होगी। तो इस तरह कुछ फैक्टर से फैक्टिंग है कि आप देखेंगे, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उससे पूछ। अब हमारे पास दो तरह की गुडविल आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और अगर मैं बात करूं गुडविल की तो सर दो तरह की गुडविल हमारे पास है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल होती है, मैंने किसी का रनिंग बिजनेस परचेज किया, आज उस बिजनेस की वैल्यू 2 करोड़ है, मैं उसको 3 करोड़ रुपए में परचेज कर रहा हूँ, यानी कि 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में वैल्यू है, उसकी गुडविल है, इसलिए मैं 1 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो 1 करोड़ की जो गुडविल मैंने खरीदी है, दैट इज परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? सर मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और मैं उस बिजनेस को चलाता जा रहा हूँ, रन किए जा रहा हूँ और मार्केट में अपनी वैल्यू बनाता जा रहा हूँ, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके। और सर बुक में कौन सी गुडविल दिखाई जाती है? हमेशा ही बुक के अंदर परचेज गुडविल को शो किया जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाता। ठीक है जी? जी सर। अगर गुडविल की वैल्यू कब कब निकालनी पड़ती है? सर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, कोई नया पार्टनर फॉर्म में आए, कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए, या हम अपने पूरी फॉर्म बेच रहे हैं, या फिर अमलगमेशन हो रहा है। अमलगमेशन सर, अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन होता है सर एक दो फर्मों का मिलकर के एक फर्म बना देना, यानी कि क्या कहते हैं, जब एक फर्म दूसरी फर्म में मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं अमलगमेशन। ठीक है। मेथड ऑफ गुडविल, देयर इज 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड सर? दिस इज वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट से। क्या फॉर्मूला है सर? गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल आ जाएगी। तो नाउ व्हाट इज दिस एवरेज प्रॉफिट? सर एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि मान लीजिए हम 4 सालों का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, तो 4 इयर्स के प्रॉफिट है तो प्लस कर लेंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट और लॉस को प्लस माइनस करके जो टोटल आएगा उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज एवरेज। 3 इयर्स का प्रॉफिट है तो 3 इयर्स के प्रॉफिट को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है कि सर देखिए, अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यहां गुडविल किसकी निकाल रहे हैं? ओल्ड बिजनेस कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर रहा होता है एज कंपेयर टू न्यू बिजनेस। तो अगर मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो पुराने वाले बिजनेस के बराबर में प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा। जी सर बिल्कुल आएगा। तो हो सकता है जो न्यू बिजनेस है वो 4 साल लगे, उस बिजनेस को 4 साल लगेंगे कि सर वो पुराने वाले बिजनेस के मुकाबले में आकर के खड़ा हो जाएगा, पुराने वाले बिजनेस के बराबर प्रॉफिट कमाने लगेगा। तो यानी कि हमें पुराने बिजनेस की गुडविल का बेनिफिट कितने सालों तक मिला? 4 इयर्स तक हमें मिला। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या हो जाएगा? तो सर क्या मतलब हुआ नंबर ऑफ ईयर परचेज का? कि कितने ही साल में ओल्ड बिजनेस के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा न्यू बिजनेस, यानी कि हमें ओल्ड बिजनेस की गुडविल का बेनिफिट कितने इयर्स तक मिलेगा, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लेके चलते हैं हम डायरेक्टली क्यों नहीं करते लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज? नहीं सर, हो सकता है कि ऐसा हो कि सर जो हमारे पास पिछले साल का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, किसी कारण से वो कम ज्यादा हो गया। हो सकता है लास्ट ईयर में एम्प्लॉइज ने हड़ताल कर दी थी, स्ट्राइक कर दी थी, काम नहीं किया किसी कारण से, तो प्रॉफिट क्या रह गया? कम रह गया, इसके मुकाबले में गुडविल कम आई। हो सकता है लास्ट ईयर के अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गया होगा जो रूटीन में नहीं मिलता, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया था जिसके कारण गुडविल सही नहीं आई। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं, ताकि एक साल अगर ऐसे कोई ज्यादा कम ज्यादा प्रॉफिट में हो गया, ऐसी कोई चीज आ गई है,
तो लास्ट के कई सालों के प्रॉफिट को प्लस माइनस करके हम उस चीज को क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। यानी कि एवरेज प्रॉफिट एक ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू सिंगल ईयर प्रॉफिट, तो इसलिए हम लेके चलते हैं एवरेज प्रॉफिट। ओके जी सर, अब एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपने ध्यान रखना है कि सर कुछ चीजों की एडजस्टमेंट आपने करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है इसके रिगार्डिंग बात करें सर, एवरेज प्रॉफिट में कुछ चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सर? देखिए, मैं यहां पर नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट की बात करता हूं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की बात करता हूं। अगर प्रॉफिट में से ऐसा कोई एक्सपेंस माइनस किया हुआ है आपने, जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसे किसी प्रॉफिट में से ऐसा कोई एक्सपेंस जो आपने माइनस किया हुआ है, ऐसा कोई एक्सपेंस जो आपने माइनस किया हुआ है और वो नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, अब नॉर्मल एक्सपेंस है, अब नॉर्मल लॉस है, तो सर अब नॉर्मल आइटम प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना चाहिए, उसे वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जिसने यहां लिखा हुआ है अब नॉर्मल लॉस ऑफ द ईयर शुड बी ऐड बैक टू नेट प्रॉफिट ऑफ दैट, अब नॉर्मल लॉस को वापस ऐड करें, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, स्पेकुलेशन प्रॉफिट, स्पेकुलेशन लॉस, वो सारे लॉस अब नॉर्मल लॉस है, आप इन्हें ऐड। ठीक है जी सर। इसी तरह से अगर प्रॉफिट में कोई ऐसी इनकम इंक्लूड कर रखी है आपने जो कि बिजनेस की नहीं है, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम नहीं है, माइनस करो प्रॉफिट से। अब नॉर्मल इनकम कोई भी हो, सेल कर लिया आपने कोई एसेट, उससे प्रॉफिट हो गया, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्पेकुलेशन प्रॉफिट, लॉटरी, गैम्बलिंग, कुछ भी हो सकता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट जो आपके आपके प्रॉफिट में शामिल है उसे क्या कर दो, माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। ठीक है जी? जी सर। और अगर आपका कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आज तो नहीं हो रहा है लेकिन इन फ्यूचर वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने जो बिजनेस परचेज किया उस बिजनेस के ओनर ने अभी तक फॉर्म की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था, लेकिन मैं इस बिजनेस की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाऊंगा, तो सर मुझे हर साल इंश्योरेंस के 5,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसे एक्सपेंस जो अभी तक ओनर नहीं कर रहा था लेकिन हम परचेज करने जा रहे हैं, तो सर हम अपने बिजनेस के अंदर वो एक्सपेंस स्टार्ट करेंगे और वो नेसेसिटी है, जरूरी है करने एक्सपेंस, तो क्या करेंगे? ऐसे एक्सपेंस जो हर साल होंगे उसे एवरी ईयर प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 500 का प्रॉफिट है तो 5 के 5 सालों में से माइनस करेंगे, 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है? या फिर आप क्या कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट में से सीधा 5,000 माइनस कर दो, वो भी आप कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है सर। इसी तरह से एक और पॉइंट की मैं अगर बात करूं कि सर ऐसे कोई एक्सपेंस हैं जो आज तो हो रहे हैं लेकिन फ्यूचर में वो एक्सपेंस होने बंद हो जाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उससे? जैसे अभी मैं जो बिजनेस परचेज करने जा रहा हूं, उस बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर रखा हुआ था और उस मैनेजर को 20,000 पर आनंद सेल भी पे की जा रही थी, लेकिन मैं खुद अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता हूं, तो मुझे उस मैनेजर की जरूरत नहीं है, मैं उस मैनेजर को हटा दूंगा, तो मुझे उसे सैलरी भी पे नहीं करनी पड़ेगी, तो उसको जो हम 20,000 पर आनंद सैलरी पे कर रहे थे वो पे नहीं करनी पड़ेगी, तो आपका प्रॉफिट बच जाएगा, तो यानी कि आपका प्रॉफिट इससे इंक्रीज हो रहा है, तो इसे क्या करोगे, आप प्रॉफिट में प्लस कर दोगे, और जो काम फ्यूचर में होता है उसे हर साल के प्रॉफिट में से ऐसा प्लस माइनस करते हैं या एवरेज प्रॉफिट में से प्लस माइनस करते हैं जी, वो आप। ठीक है जी? जी सर। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुडविल कैलकुलेट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, और 5 ईयर के प्रॉफिट आपके सामने पड़े। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑन 1st of January 2016 एक आग लग गई थी जिसके कारण उसका लॉस हो गया था, कितने रुपए का सर? 3000 रुपए का। 70,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिला हमें, 3 लाख का लॉस हुआ, 70,000 का क्लेम मिल गया। ड्यूरिंग द ईयर 31st of March 2018 फर्म रिसीविंग अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज 80,000, फर्म को 80,000 रुपए का ऐसा टैक्स रिफंड मिल गया जिसको कोई उम्मीद नहीं थी, तो ये होगी ऐसी इनकम जो आपको रुपीज में नहीं होगी। तो आइए 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये हमारे पास प्रॉफिट है, और मुझे आप ये बताइएगा कि सर ये जो डेट है किस ईयर के बीच में लाई करेगी,
1st of Jan 2016 सर 1516 में आएंगे, किसमें आएगी 1516 में आएगी। तो सर 1516 के प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या सर? आग लग गई, कितने रुपए की सर? आग लग गई 3 लाख रुपए की बुक्स की। और सर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना आया? सर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आया 70,000। तो सर इस ईयर के प्रॉफिट में क्या एडजस्ट करेंगे? आग लगने से आपके प्रॉफिट में से एक्सपेंस को लॉस को माइनस किया होगा, अब आप क्या करेंगे इसे वापस प्लस करेंगे, दिस इज अब नॉर्मल लॉस। कितने का लॉस हुआ सर? 3 लाख का लॉस हुआ और 70,000 का क्लेम मिल गया, तो यानी कि 2,30,000 का लॉस हुआ आपको। तो यहां पे प्लस करेंगे 2,30,000 अब नॉर्मल लॉस, ठीक है जी सर। और 31st of March 2018 यानी कि ये वाला साल, ठीक है, यहाँ क्या हुआ? एक ऐसा टैक्स रिफंड आ गया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो ऐसी इनकम जो आपको रुपये में नहीं मिलती, तो हम इसे बोलते हैं सर अब नॉर्मल इनकम। और अब नॉर्मल इनकम प्रॉफिट में से क्या होती है? माइनस हो जाती है, ठीक है जी सर। चेक कीजिएगा क्या हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है जी, माइनस किया, ये टोटल हो गया, टोटल को डिवाइड करेंगे 5 से, दिस इज एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस 3, दिस इज आवर गुड वे, ठीक है जी। तो आपने ये सम करनी है, कुछ इसके बाद नेक्स्ट सम देख लीजिएगा, फोर्थ है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। ये फिफ्थ है, जितने हो जाए वो आपने करना है। सिक्स्थ है, बस एक बार सिक्स तक के सम आपने देखने हैं, जो हो जाए आप कर लीजिएगा, और अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।